आजाद शिक्षक संघ के बैनर तले बीओ कार्यालय के परिसर में शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। क्षेत्रीय विधायक को अपनी मांग का आवेदन भी दिया है। पानसमल विकास खंड के शिक्षकों द्वारा आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। विकास खंड के शिक्षक और शिक्षिकाएं बीईओ कार्यालय परिसर में धरना दे रहे हैं। अपनी मांग को लेकर शिक्षकों द्वारा क्षेत्रीय विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े को ज्ञापन भी दिया गया। शिक्षकों ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली, क्रमोन्नति तथा अनुकंपा नियुक्ति में आ रही समस्याओं सहित अन्य मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिलीप शितोले ने शिक्षकों की बात बाला बच्चन से सीधा फोन से करवाई। इस दौरान शिक्षकों को कहा है कि हम तुम्हारी मांगे पूरी करने की बात को लेकर विधानसभा में सवाल उठाएंगे। पानसेमल से सरज चित्ते की रिपोर्ट। देखिए, जनता की आवाज़ है ये, और ये शिक्षकों ने अपनी गंभीर समस्या बताई है। पुरानी मांग, पुरानी पेंशन अभी तक इनको नहीं मिली है। पहले भी मुझे एक ज्ञापन दिया था जिसको मैंने तत्काल मुख्यमंत्री तक पहुंचाया था। अभी भी इनकी मांग को लेकर मैं भोपाल तक जाऊंगी और विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाऊंगी ताकि इनकी समस्या का निराकरण हो सके। मैडम, आपको लगता है कि इनका हल निकल पाएगा कुछ सरकार से आप मांग करेंगे? हमारा, हम जनप्रतिनिधि है, हमारे इनके हक में हमको अधिकार है बोलने का और हम जरूर दिलाने का। हमारी जितनी क्षमता है पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि इनका हक इनको मिले, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जी, थैंक यू। जो पेटी जो आपने लोगों को आपको बोला है जी, जी 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 जी, धन्यवाद। मैं श्रीमती रत्ना पवार, कहाँ पर पदस्थ हूँ? माध्यमिक विद्यालय भंगड़ा फलिया भातकी, संकुल केंद्र हाई स्कूल भातकी। किन समस्याओं को लेकर आज धरने पर? हमारी समस्या है पूर्ण, हमारे पास जो मांगे हैं मुख्य मांगे, वो सरकार से हम चाहते हैं कि वो हमारी मुख्य मांगे हैं वो सुने और इस पर अमल करें। हम चाहते हैं कि हमारी पांच मांगे जो हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए समयमान समय वेतनमान लागू किया जाए, पदोन्नति क्रमोन्नति की जो लंबित मांगों का निराकरण किया है हो रहा है, मांग कर रहे हम उसको पूरा किया जाए। गुरुजियों की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो गरीब परिवार में जो बच्चे हैं, जो जिस परिवार का मुखिया अगर शांत हो जाता है तो वो विधवा महिला जो है बेचारी दर दर के ठोकरे खा रही है। हम चाहते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए। और हमारी आखिरी मांग जो है पुरानी पेंशन बहाली, और पुरानी पेंशन हमको मिलना चाहिए। हम इस समस्या को लेकर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। अगर ये समस्या पूरी नहीं होती है जल्दी तो हम ये उग्र आंदोलन के लिए भी हम तैयार हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।